बड़वाह रेलवे स्टेशन के टिकट खिड़की कार्यालय के पास अचानक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इस दौरान रेलवे कर्मचारी सचिन कुमार यात्रियों के रिजर्वेशन टिकट बना रहे थे। यात्रियों के सांप को देखने व उनके चिल्लाने पर सचिन ऑफिस के बाहर निकले, जिसके बाद सांप ऑफिस में घुस गया। कुछ देर बाद सर्पमित्र व वन्य प्राणी अभिरक्षक टोनी शर्मा ने सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10 बजे रेलवे स्टेशन की टिकट बुकिंग खिड़की पर यात्री अपना रिजर्वेशन टिकट बनवा रहे थे। रेलवे कर्मचारी सचिन टिकट बनाने में मशगूल थे। एक यात्री की नजर उनके कार्यालय के बाहर घूमते सांप पर पड़ी। इस पर उन्होंने चीखकर सचिन को कार्यालय से तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी। सांप को देखकर सचिन भी घबरा गए। जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन सांप उनके कार्यालय से लगे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में घुस गया। कार्यालय परिसर में सांप घुसने की सूचना मिलने पर सर्पमित्र टोनी शर्मा पहुंचे। उन्होंने कार्यालय में अंदर फर्श पर कुंडली मारकर बैठे सांप का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाल कर लाए। इस पूरे दृश्य को स्टेशन पर मौजूद यात्री स्टाफ सदस्यों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद टोनी ने सांप का रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया। टोनी ने बताया कि सांप करीब 4.5 फीट का था व कोबरा प्रजाति का था, जिसे नाग भी कहते हैं। सांप के पकड़े जाने के बाद उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश बड़वाह से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।